The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों आज हम बात करेंगे करेक्टिव आई सर्जरीज के बारे में, क्या क्या प्रकार होते हैं। जब हम आई सर्जरी, करेक्टिव आई सर्जरी की बात करते हैं तो वो हो रही है बात आपके ग्लासेस हटाने की, यानी कि अगर आप अपने स्पेक्स, अपने आँख का नंबर हटाना चाहते हैं तो उसके लिए कई सारे प्रकार की ऑपरेशंस मौजूद हैं, लेज़र, लैसिक्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वो क्या है, राइट, कौन कौन से प्रकार के करेक्टिव आई सर्जरीज हैं और उसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और इसमें थोड़ा सा आपको हम गाइड करेंगे, तो आप इसको ज़रूर देखिए। याद रखिए, ग्लासेस और कॉन्टैक्ट्स दोनों हैं अवेलेबल अगर आप सर्जरी नहीं कराना चाहते हो। लेकिन याद रखिए, एक एक्टिव लाइफस्टाइल में ग्लासेस के साथ थोड़ा इश्यू आ जाता है, कॉन्टैक्ट्स के अपने छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनका आपको केयर करना पड़ता है, वहाँ पर आँखों के लिए बहुत ज़्यादा एडवांस्ड प्रोसीजर सर्जरीज आ चुके हैं जिससे कि आँखों की बड़ी से छोटी प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। लेज़र आई सर्जरीज बहुत सारी हो चुकी हैं, जो बन चुकी हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ज़्यादातर प्रोसीजर जो हैं ये रीशेप करते हैं आपके आँख के कॉर्निया को, आगे का जो एक लेंस होता है, लेंस के आगे का एक जो ट्रांसपेरेंट कॉर्निया होता है जिसको हम बोले, वो शेप होता है ताकि आपकी जो लाइट है ये फोकस हो सके आँख के पर्दे पे और आपको चीज़ जो है क्लियर से क्लियर दिख सके। कुछ और सर्जरीज हैं जिसमें अगर लेंस ख़राब हो गया है तो लेंस को ही रिप्लेस कर दिया जाता है, लेंस रिप्लेस हो गया तो भी आपकी आँख ठीक हो जाएगी। बात करते हैं उनके नाम क्या है, कैसे है। सबसे कॉमन एक सर्जरी है लेसिक, लेसिक यानी लेसर इन सीटू कैराटोमिल्यूएसिस। जी हाँ, कैराटोमिल्यूएसिस थोड़ा सा नाम ऐसा है। सर्जरी में आपके कॉर्निया यानी के जो हमने बताया आँख के सामने का ट्रांसपेरेंट ग्लास जैसा टिश्यू होता है उसको रीशेप किया जाता है उससे कि फोकस हो सके लाइट आपके आँख के पर्दे के ऊपर। और इसमें अगर आपको आँख में नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, एस्टिगमेटिज्म, इस प्रकार की कोई भी नंबर वाली प्रॉब्लम है तो लैसिक एक आइडियल प्रोसीजर है जिससे एक यूनिक मेथड है, क्योंकि आपके आँख के बाहर बाहर काम हो रहा है, उसमें आँख के अंदर कुछ नहीं जा रहे, आँख के बाहर बाहर जो कॉर्निया है उसका रीशेपिंग हो रहा है, तो एक काइंड ऑफ सेफ प्रोसीजर है जो आप बिल्कुल करा सकते हैं। और ये इसको प्रिसिशन की ज़रूरत होती है, इसमें कंप्यूटर इमेजिंग टेक्निक्स यूज़ होती है जिससे कि एग्जैक्ट नंबर आपका जो है करेक्ट कर सके, आपको आगे चल के कभी कोई दिक्कत ना हो। सो दिस इज़ अबाउट लेसिक। फिर देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज PRK, फोटो रिफ्रैक्टिव केराटेक्टॉमी। ये क्या चीज़ है, इसमें लेज़र का इस्तेमाल होता है, इसमें भी आपके कॉर्निया को रीशेप किया जाता है। यहाँ पर PRK में सिर्फ और सिर्फ कॉर्निया का सरफेस रीशेप होता है, राइट, सिर्फ सरफेस रीशेप होता है। और लेसिक के अंदर जो है आपके कॉर्नियल अंडरलाइन टिश्यू को रीशेप किया जाए, कॉर्निया के ऊपर और ऊपर की जगह कॉर्निया के अंडरलाइन के टिश्यू को रीशेप किया जाता है। यहाँ पर फोटो रिफ्रैक्टिव केराटेक्टॉमी में कॉर्निया के ऊपर के सरफेस को रीशेप किया जाता है बस। इसमें अगर माइल्ड टू मॉडरेट केस है, नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, एस्टिगमेटिज्म यानी दूर का नंबर, पास का नंबर, दोनों का आँख में एक बराबर नंबर नहीं है, तो ऐसे में PRK का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी भैया कंप्यूटर इमेजिंग टेक्नोलॉजी से प्रिसाइज की जा सकती है। एक और है, जब हमने लैसिक बोला LISIK, अब एक LISEK भी है। जी हाँ, LISEK, लेसिक, सिक बोलिए, सिक बोलिए। ये लेज़र एपिथीलियल केराटोमिल्योसिस है, ये स्लाइट वेरिएशन है PRK का। इसमें आपका फ्लैप बनता है
जिसमें के कॉर्निया का फ्लैप बनाया जाता है आंख के ऊपर के, और कॉर्निया का फ्लैप बना के उसके एपिथीलियल टिश्यू को लूज किया जाता है अल्कोहल सोल्यूशन लगा के। उसके बाद लेजर से रीशेप किया जाता है कॉर्निया को और फ्लैप वापस डाल दिया जाता है। और इससे क्या होता है, इसको एक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस से सिक्योर कर दिया जाता है सो दैट ये हील हो जाए उसके आसपास। और लेसिक से नियर साइटेड फार साइटेड एस्टिगमेटिज्म ये भी ठीक किया जा सकता है। तो टेक्निकली दूर का नंबर, पास का नंबर और अलग अलग नंबर के लिए यही ये सारे ऑपरेशन है। एक और है जिसको कहते हैं ALK, ऑटोमेटेड लेमिलर कैराटोप्लास्टी। यहाँ पर अगर बहुत ही बड़ा नंबर है, सिवियर नियर साइटेडनेस है, और कुछ लेवल है थोड़ा बहुत फार साइटेडनेस का, तो ये काम करता है। ऑल दो देखो ऐसा है, ज़्यादा बेहतर तो लेसिक है जो पुराना पहला हमने सर प्रोसीजर बताया, लेकिन एक ये प्रोसीजर भी है जिसको पहले किया जाता था, अब आपको थोड़ा नॉलेज दे रहे हैं बस, ALK का ऑटोमेटेड लेमिलर कैराटोपेक्स प्लास्टी। इसमें भी आई स्पेशलिस्ट एक फ्लैप बनाता है कॉर्निया के ऊपर, अंडरलाइंग टिश्यू को एक्सेस करता है, कोई लेजर का इस्तेमाल नहीं होता, डॉक्टर अपना इंसिजन लेता है, कॉर्निया को रिशेप करना है हाथ से रिशेप करता है, और ये पुराना प्रोसीजर है। अब लेसिक किया जाता है। फिर RLE रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज नाम का भी प्रोसीजर है, जिसमें कि कैटरैक्ट अगर है आपको, मोतिया बिंदु है, तब फिर एक छोटा सा चीरा मारा जाता है आपके नेचुरल लेंस को हटाने के लिए आँख के साइड में या ऊपर में, वहाँ से फिर एक छोटे से चीरे से लेंस हटा दिया जाता है और उसमें एक छोटा सा सिलिकॉन या प्लास्टिक का लेंस लगा दिया जाता है। इसको हम क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन भी बोलते हैं या रिफ्रैक्टिव लेंस रिप्लेसमेंट भी बोलते हैं, RLR या CLE या RLE ऐसे नाम से जाना जाता है। ये भी भैया जो है दूर की नंबर पास का नंबर इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो बहुत सारे प्रकार के चीज़ें हैं इसके साथ। अगर मान लीजिए कॉर्निया पतला हो जाए, आँख ड्राई हो जाए, कोई और माइनर आँख प्रॉब्लम है, तो एडिशनल प्रोसीजर्स भी इसके साथ किए जा सकते हैं। अगर आपको एस्टिगमेटिज्म है, एक नंबर में दूसरा, एक नंबर में दूसरा नंबर है, तब इसमें थोड़ी सी मुश्किलात होती है, उसके साथ एडिशनल प्रोसीजर करने पड़ते हैं। और दो तीन प्रोसीजर हैं छोट मोट। एपिलेसिक, एपिलेसिक क्या है, जैसे कि PRK के जैसा है, डॉक्टर आपके छोटा सा कॉर्निया के ऊपर से एक फ्लैप उठाएगा और उसको रिशेप करेगा, और उसके बाद उसको या तो रिशेप करके रिप्लेस कर देगा या सेम टू सेम रखेगा। सेम सिमिलर चीज़ है, इसके ऊपर भी एक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस लगा दिया जाता है, और अलग अलग नाम दिए गए हैं इन प्रोसीजर्स को, छोटे मोटे चीज़ें इस्तेमाल होते हैं तो भी। फिर प्रिलेक्स, प्रिलेक्स नाम का भी है, प्रिस बायोपिक लेंस एक्सचेंज, जिसमें मतलब अगर आपका लेंस जो है, लेंस में नॉर्मली एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो छोटा बड़ा होता है थोड़ा बहुत, अगर वो नहीं हो पा रहा, प्रिस बायोपिया है आपको, तब उसको प्रिस बायोपिया बोलते हैं, यानी फोकस नहीं कर पा रहे आप, जब दूर से ऑब्जेक्ट पास आ रहा है तो वो धुंधला 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 ही दिख रहा है, उस टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए ये ऑपरेशन किया जाता है प्रिलेक्स। इसमें आई डॉक्टर जो है इम्प्लांट करते एक मल्टीफोकल लेंस, मल्टीफोकल लेंस जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी और फोकस रिस्टोर हो जाता है। फिर एक प्रोसीजर है इंटैक्स, इंटैक्स इंट्राकॉर्नियल रिंग सेगमेंट्स ये डाला जाता है। इसमें डॉक्टर जो है एक छोटा इंसीजन मारेगा कॉर्निया में और क्रेसेंट शेप का छोटा सा प्लास्टिक रिंग आउटर एज में डाल दिया जाएगा ताकि कॉर्निया जो है फ्लैट हो जाए, कॉर्निया को फ्लैट कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, आपके जो रेज जो हैं वो अगर आग के पर्दे पर नहीं गिर रहे हैं तो गिरने लगे। सो यहाँ पर ये चीज़ है, अगर छोटा मोटा नियर साइटेडनेस है तो लेसिक की जगह, लेज़र बेस्ड प्रोसीजर की जगह इंटैक्स किए जाते हैं, तो वो एक नया प्रोसीजर है, लेकिन ये माइल्ड केसेस में ही काम आएगा। फिर आता है, बहुत सारे हैं मुझे पता है, फैकिक इंट्राऑक्युलर लेंस इम्प्लांटेशन, इसमें आँख के अंदर लेंस इम्प्लांट किया जा रहा है इंट्राऑक्युलर, और छोटे से इंसीजन से किया जाता है, और कॉर्निया को भी अटैच कर दिया जाता है आयरिस में, तो एक नेचुरल आई लेंस अगर साथ में रखा ही जाता, मतलब निकाला नहीं जाता, सिर्फ डाल दिया जाता है एक लेंस उसके ऊपर, ठीक है। दैट इज देयर AK नाम का भी चीज़ है। AK यानी एस्टिगमेटिक कैराटोनॉमी, मतलब एस्टिगमेटिज्म है, एक आँख में अलग, एक आँख में एक नंबर से ज़्यादा, एक से ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग कॉर्निया का शेप होता है आपका,
और इसमें फुटबॉल के जैसा शेप हो सकता है कई बार। तो इसमें क्या होता है कि एक या दो इंसिजन दिए जाते हैं कॉर्निया के स्टीपेस्ट पार्ट पे, और इंसिजन को मार के कॉर्निया को रिलैक्स करने की कोशिश की जाती है ताकि उसका जो है राउंड जैसा शेप बना दिया जाए, एस्टिगमेटिज्म को करेक्ट किया जाए। तो बहुत सारे प्रकार के ऑपरेशंस देखे हैं आप, हमने इस प्रकार के नाम बता दिया आपको, चीज़ें बता दी, काफ़ी आपको समझेगा काफ़ी आपको नहीं समझेगा, मगर जब जानना हो कि किस किस प्रकार के प्रोसीजर है तो ये है इस प्रकार के। इसमें से आपके लिए कौन सा बेस्ट है, क्या आपको एक ही प्रोसीजर या कॉम्बिनेशन काम आएगा, ये आपको आपके ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट बताएंगे। तो अपने ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट से जाके ज़रूर मिलिएगा और अपने बारे में डिस्कस करिए। अगर आप इसमें से कोई प्रोसीजर नहीं कराना चाहते हो, ज़रूरी कोई कंपलसरी वाली चीज़ नहीं है, तो आप अपना चश्मा और अपना लेंस पहन सकते हो। तो धन्यवाद देखने के लिए, अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।